सो गाइस, तो फोटो का सारा ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले पिक्सआर्ट को ओपन कर लेते हैं गाइस, एंड उसके बाद प्लस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। फिर यहाँ पर से हमको सिंपली अपना जो बैकग्राउंड है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा बैकग्राउंड रहने वाला है और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा बैकग्राउंड आ चुका है। एंड टूल्स पे जाएंगे, एंड क्रॉप में जाएंगे, और क्रॉप पे जाके पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि इंस्टाग्राम में हम फुल फोटोज़ अपलोड कर पाएँ। सिंपली फिर हमको चले जाना है ऐड फोटोज़ में, एंड जो मॉडल है उसकी सिंपली मॉडल की फ़ोटो ले लेनी है हमें। तो सबसे पहले हम मॉडल की फ़ोटो ले लेते हैं। तो मॉडल की फ़ोटो हमने सेलेक्ट कर ली है, तो मॉडल की फ़ोटो रही ये। और अब हम इसको इफ़ेक्ट्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, एंड उसके बाद हम जाएंगे स्केच वाले ऑप्शन पे जाएंगे, एंड फिर सेकंड नंबर पे स्केच का ऑप्शन आ रहा है। एंड आपको इंटरनेट खोल लेना है तभी हो पाएगा। तो कुछ इस तरीके के आपको देख लेने को मिल जाएगी ड्रॉ। तो उसके बाद इसको ऊपर वाले से हॉरिजेंटल वाले को आपको जीरो कर देना एकदम। तो मैं करके सेट कर लेता हूँ। सो गाइस, तो हमने कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लिया है, एंड ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हमने इरेज कर दिया है। एंड अब सिंपली इसको डन कर देंगे। उसके बाद हमको जाना पड़ेगा फिर से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे, एंड चले जाते हैं इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे। हम इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद कलर्स पे जाएंगे गाइस, एंड कलर्स पे ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको इसका अमाउंट जो एकदम वन कर देना है, एंड तो हम कर लेते हैं फटाफट से वन, और इसको ज़्यादा नहीं करना ना, वन करना है, एंड सिंपली इसको कर लेंगे डन। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एंड सिंपली जाएंगे हम ब्लाइंड वाले ऑप्शन पे, एंड स्किन कर देंगे इसको स्क्रीन, एंड इसे सिंपली यहाँ पे इसको अब कर लेना है सेट अपने फ़ोटो के हिसाब से। जो बैकग्राउंड है उसको यहाँ पर से इसमें सेट कर लेना है, एंड हमको सिंपली जाना है फिर से ऐड फोटो पे, एंड जो मॉडल की फ़ोटो को हमने ये बनाया था उसकी हमको सिंपली एक PNG बना लेनी है। तो आप सिंपली PNG मैंने बनाना सिखा दिया, अगर नहीं सीखा तो लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पर से देख लीजिएगा। तो ये PNG हमने सेट कर दी है इसकी। अब इसका जो बाकी का पार्ट है ना गाइस, इसको इरेज कर देना है सिर्फ फेस और हैंड को छोड़ के। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इरेज वाले टूल्स पे जाएंगे, एंड इरेज करना अब स्टार्ट कर देंगे। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ इरेज। तो इस तरीके से आपको भी कर लेना है। सो गाइस, तो सारा अदर्स पार्ट हमने इरेज कर दिए। अब हमको सिंपली जाना है ऐड फोटो पर, एंड ऐड फोटो पर जाने के बाद स्मोक वाली PNG जो है हमें ले आनी है, एंड हम स्मोक वाली PNG को डन कर लेते हैं। तो कर लेते हैं फटाफट से। उसके बाद ये सारी स्मोक वाली PNG आ गई, एंड इसकी ओपेसिटी जो है फुल रखनी है। सिंपली हमें ब्लाइंड वाले ऑप्शन पे चले जाना है। तो कुछ इस तरीके से ब्लाइंड वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ब्लाइंड वाले ऑप्शन पे जाके स्क्रीन पे चले जाना है, एंड सिंपली जो PNG है उनको हम फटाफट से सेट कर लेते हैं। तो देखते रहिए आगे गाइस, वीडियो पूरी देखिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा कौन सी PNG कहाँ पे सेट करनी है और कैसे करनी है। तो सारा कुछ देखते रहिए इस वीडियो में, एंड अगर नए चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। सो गाइस, तो अभी तक हमको इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया और फेसबुक पे, तो उसकी सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी, वहाँ पर से आप फॉलो कर लीजिए। और जहाँ इस फोटो में हम जो PNGs यूज़ कर रहे हैं और बैकग्राउंड, तो उनका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पर से आप डाउनलोड कर पाएंगे।
तो गाइस तो हमने पूरा सेट कर लिए हैं पीएनजी को एंड सिंपली डन कर देंगे। अब सिंपली हमको जाना है ड्रॉ टूल पे, एंड ड्रॉ टूल पे जाने के बाद हम इसको वाइट वाला ऑप्शन लेके थोड़ा सा इस पर स्क्रैच करेंगे एंड ताकि फुल एचडी में आपकी वीडियो फोटो रहे। तो सिंपली ऊपर वाले जाएंगे एंड थ्री डॉट पे तो मर्ज कर लेंगे एंड सिंपली थ्री डॉट पे जाके सेव कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर नई नई फोटोज़ डालते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर ऑल यू गाइस।